नमस्कार दर्शकों, इस समय आप सभी के समक्ष एक बार फिर से लाइव जोड़ रहे हैं झरना बस्ती ब्रिज के एरिया से। ये क्षेत्र हालांकि डाणा गांव क्षेत्र पड़ता है इस क्षेत्र से, और इस समय आप सभी के समक्ष ये दृश्य दिखाना चाहेंगे। इस क्षेत्र में इस समय जयगांव थाना ऐसी पालजर भुटिया यहाँ पे पहुंचे हैं, और इस क्षेत्र का भी आप सभी के समक्ष हम लोग दृश्य दिखा रहे हैं। सभी को वार्निंग देते हुए इस क्षेत्र में देखे जा सकते हैं। इस क्षेत्र में काफी सारा यहाँ पे ये दृश्य आप सभी के समक्ष दिखा रहे हैं। और यहाँ पे जो इस क्षेत्र में इंक्रोचमेंट देखा जा रहा है उसको लेकर वार्निंग देते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हम लोग डाणा गांव क्षेत्र में है। शुरुआत झरना बस्ती ब्रिज से शुरू करते हुए इस समय आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और सभी को वार्निंग देते हुए आप ये दृश्य देख सकते हैं। इस क्षेत्र में वार्निंग देते हुए नजर आ रहे हैं। इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं वो जयगांव थाना आईसी पालजर भुटिया लोगों को वार्निंग देते हुए कि ड्रेन के इस पार किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। आप ये दृश्य देखें। इस समय हम लोग डाणा गांव क्षेत्र में हूँ। इस समय हम लोग डाणा गांव क्षेत्र में हैं। और आज इस क्षेत्र का दौरा करते हुए जयगांव थाना आईसी पालजर भुटिया और सभी को वार्निंग देते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये दृश्य देखें। आप सभी के समक्ष सीधा दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। जयगांव थाना आईसी पालजर भुटिया इस समय इस क्षेत्र में अवैध सड़कों पर इलीगल पार्किंग को लेकर इस समय कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये दृश्य देखें। इस समय लोगों को समझाया जा रहा है कि जो फुटपाथ बना है वो पैदल यात्रियों को जाने आने के लिए बना हुआ है, इस पे वाहन खड़ा ना करें, ये लोगों को समझाया भी जा रहा है। ये आप दृश्य देखें। जयगांव में काफी समस्याएं देखी जाती है, और इस समस्याओं का समाधान के लिए जयगांव थाना आईसी पालजर भुटिया मैदान पे उतर चुके हैं। और आपको बता दें कि दो दिनों के लिए सर पालजर भुटिया व्यस्त क्या हुए, लोगों ने फिर से सड़कों पे दुकान लगाना और वाहन पार्क करना शुरू कर दिए थे, और
आज फिर नियमिता को पालन करने के लिए लोगों को वार्निंग देते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं लोगों को ये सूचना है, ये चेतावनी लगातार दी जा रही है। ये दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं, लगातार आप सभी के समक्ष हम लोग ये दृश्य दिखा रहे हैं। जय गोमेरस पे अभी हम लोग सुनसुनी बाजार क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं सड़कों पे रखा हुआ सामान के खिलाफ जयगांव थाना आईसी पालजर भुटिया चेतावनी देते हुए आप ये दृश्य देखें। लगातार कार्रवाई इस समय जयगांव पुलिस प्रशासन द्वारा इस तरह से वाहन पार्क करने की जगह पे ईंट वगैरह रखा हुआ है उसके लेकर भी इस समय जयगांव थाना आईसी पालजर भुटिया लोगों को कहते हुए कि सामान वगैरह इस तरह से सड़कों पे या फुटपाथ पे ना रखें। ये दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। लगातार जयगांव पुलिस प्रशासन लगातार कार्रवाई करते हुए जयगांव थाना आईसी पालजर भुटिया कार्रवाई करते हुए ये दृश्य इस समय आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। जयगांव मिरर्स पे ये दृश्य हम लोग दिखा रहे हैं। जयगांव मिरर्स पे लोगों को चेतावनी दी जा रही है। और इस समय हम लोग सुनसुनी बाजार क्षेत्र में इस समय मौजूद हैं। आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरह से फुटपाथ जो है उसके ऊपर इस तरह से प्लास्टिक टेबल चेयर लगा के यहाँ पे अवैध कब्जा देखा जा रहा है। हम लोग ये दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी एक चाय दुकान देखा जा रहा है, फुटपाथ के ऊपर इस तरह से अतिक्रमण देखा जा रहा है और उसके खिलाफ यहाँ चेतावनी दी जा रही है और हटाने के लिए कहा जा रहा है। आप ये दृश्य देखें, लगातार आप सभी के समक्ष हम लोग दृश्य दिखा रहे हैं यहाँ पे भी एक आप देख सकते हैं फुटपाथ के ऊपर यहाँ पे जनरेटर लगाया गया है, जनरेटर इंस्टॉल किया गया है और यहाँ से जाना आने के लिए यात्रियों को जाने आने के लिए जो जगह है वो दखल किया गया है। और ये कार्य जैसा कि अनुमानित तौर पे बैंक द्वारा, क्योंकि आम लोगों द्वारा इस तरह के जनरेटर लगाना संभव नहीं देखा जाता है। खासकर ज्यादातर इस तरह के जनरेटर वगैरह बड़े बड़े संस्थान जो होते हैं उनके द्वारा लगाया जाता है। और यहाँ पे पूरी तरह से फुटपाथ, आधा से ज्यादा फुटपाथ को दखल कर लिया गया है। यहाँ पे आप दृश्य देख सकते हैं, बैंक द्वारा इस तरह से अगर गतिविधि किया जाए तो आप आम जनता से क्या आशा कर सकते हैं। जब इस तरह का गतिविधि आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारा जगह है। आप समझ सकते हैं कि ये जो जनरेटर है ये यहाँ पे भी लग सकता था, अंदर भी लग सकता था, बाहर भी लग सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर इस तरह से फुटपाथ पे रखा गया है। आप ये दृश्य देखें, जब पढ़े लिखे ऑफिसर लोग अगर इस तरह से, बैंक कर्मचारी अगर इस तरह से, या बैंक के मैनेजर इस तरह से अगर करेंगे तो बाकी लोगों से क्या आशा किया जा सकता है। आप ये दृश्य देखें,
लगातार जयगांव पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई जयगांव शहर में। और आपको बता दें, दो दिनों से सर व्यस्त थे अन्य कार्य एवं मीटिंग में, तो शायद लोगों ने यह अनुमान लगा लिया था कि अब वो दिन गई और अब जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये कतई ना सोचिएगा, क्योंकि जयगांव बदल चुका है, जयगांव के लोग जागरूक हो चुके हैं और अब ये जो प्रक्रिया है ये लगातार चलने वाली है, ये प्रक्रिया है जो है लगातार चलने वाली है। आप ये दृश्य देखें, सुनसुनी बाजार क्षेत्र में इस समय हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे बीच फुटपाथ पे आधा से ज्यादा फुटपाथ को जनरेटर द्वारा यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है, आने जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। और इसके खिलाफ पुलिस प्रशासन जयगांव थाना आईसी पालजर बुटिया बता रहे हैं और हटाने के लिए 1000 है। इसी तरह से लगातार जयगांव के थाना आईसी पालजर बुटिया जयगांव को सुधारने के लिए, जयगांव को सुंदर बनाने के लिए अपना पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा दृश्य दिखाने में हमें भी काफी खुशी हो रही है कि ऐसा ऑफिसर हमारे जयगांव क्षेत्र में ऐसा ऑफिसर मौजूद है जो कि जयगांव में इस तरह का कार्रवाई करते हुए जयगांव को साफ सुंदर बनाने के लिए अपना कार्य कर रहा है। आप देख सकते हैं फुटपाथ के ऊपर यहाँ पे शेड लगा हुआ और यहाँ पे आप दृश्य देखें, यहाँ पे बाजार लगाया गया है। ये सब सड़क पे यहाँ पे जो दुकानें लगाया जाता है उसे भी यहाँ से हटाने का निर्देश दिया जा रहा है। आप ये दृश्य देखें कितना खतरनाक है, क्योंकि कभी भी बड़ा दुर्घटना यहाँ घट सकता है। आपको मालूम होगा सुनसुनी बाजार क्षेत्र में आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई घटनाएं होती रहती है, काफी बार लोगों का मृत्यु भी हो चुका है, क्योंकि सड़क किनारे इस तरह से दुकानें लग जाती हैं, बाजार लग जाती है और लोगों को जाने आने का जब जगह नहीं मिलता तो उन्हें सड़कों से पैदल जाना आना पड़ता है, उस समय वो किसी न किसी बड़े वाहन के चपेट में आ जाते हैं। आप ये दृश्य देखें यहाँ पे फुटपाथ के ऊपर यहाँ पे किस तरह से शेड बना के यहाँ पे दखल किया गया है। यहाँ पे आप दृश्य देखें लगातार यहाँ पे चेतावनी देते हुए, निर्देश देते हुए, और आप ये दृश्य देखें यहाँ पे इस समय लगातार यहाँ पे कार्रवाई चलता हुआ। आप ये दृश्य देखें, लोगों को यह समझना पड़ेगा कि जयगांव अपना है, जयगांव को साफ सुथरा और सही रखने का जिम्मेदारी भी अपना है। यहाँ पे भी आप दृश्य देखें फुटपाथ यहाँ पे शेड लगा के दखल कर लिया गया है। यहाँ पे आप ये दृश्य देखें सुनसुनी बाजार क्षेत्र में इस समय हम लोग मौजूद है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये लगातार आप सभी के समक्ष हम लोग दृश्य दिखा रहे हैं। ये आप दृश्य देखें, यहाँ पे भी फैब्रिकेशन का काम चलता हुआ। आप ये दृश्य देखें लगातार ये चेतावनी दी जा रही है, ड्रेन के इस पार किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लोगों को ये चेतावनी दी जा रही है। आप ये दृश्य देखें, लगातार आप सभी के समक्ष हम लोग ये दृश्य दिखा रहे हैं। इस समय हम लोग जयगांव कस्टम के नजदीक इस समय पहुंच चुके हैं। और लोगों को, सबको इस क्षेत्र में फुटपाथ को खाली रखने के लिए चेतावनी दी जा रही है, अन्यथा पुलिस प्रशासन जो है सख्ती से कार्रवाई करेगी। इस समय लोगों को समझाया जा रहा है, लोगों को चेतावनी दी जा रही है। आप ये दृश्य देखें, आते हैं देखते चाहिए कि
ये दृश्य देखे, यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से फुटपाथ फुटपाथ पूरी तरह से दखल कर लिया गया। यहाँ पे आप यहाँ पे दृश्य देखें, यहाँ पे अगर इस तरह से लोग बर्ताव करेंगे तो जयगांव कैसे सुंदर बनेगा, कैसे साफ सुथरा बनेगा। आप ये दृश्य देखें, यहाँ पे दृश्य देखें, आप ये दृश्य देखें, और कितने नरमी से कितने सहज भाषा में लोगों से कहते हुए नजर आ रहे हैं जयगांव थाना ऐसी पालदर बुटिया, लोगों को एकदम सरल एकदम साफ शब्दों में एकदम निम्न प्रार्थना जैसे लोग करते हैं, लोगों से जैसे लोग अपील करते हैं उस तरह से एकदम उस भाव के अंदाज में लोगों को अपील करते हुए, और ये नरमी जो है ये नरमी उनको विशेष एक विशेष ऑफिसर के रूप में उनको पहचान दिलाता है। और ऐसे ही लोग भले ही उन्हें सिंघम कहते हुए होंगे, उनको नाम दिए होंगे, लेकिन वो एक काफी काफी नरम दिल के लोग हैं, लेकिन जब बात आती है कार्रवाई करने के लिए, जब बात आती है नियमों का पालन करने के लिए, तो उस समय निश्चित रूप से जैसे हम लोग फिल्मों में देखते आए हैं सिंघम, जैसे लोग उन्हें पुकारते हैं जयगांव के सिंघम, उसी अंदाज में वो कार्रवाई करते हैं। जयगांव में इस समय जो परिवर्तन देखा जा रहा है, जयगांव शहर में जो परिवर्तन देखा जा रहा है, उसके लिए जयगांव थाना आईसी पालजर भुटिया और उनकी टीम को निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहेंगे। इस क्षेत्र में हम लोग दृश्य दिखा रहे हैं, आप ये दृश्य देखें। इस तरह बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट और साइन बोर्ड होर्डिंग्स वगैरह लगा हुआ देखा जा सकता है, उसे भी हटाने के लिए कहा जा रहा है। आप सड़कों पे इस तरह से देखेंगे टाइल्स मार्बल वगैरह रखा हुआ, उसके खिलाफ भी इस समय चेतावनी दी जा रही है। आप ये दृश्य देखें, फुटपाथ के ऊपर दुकानें खुली हुई है, यहाँ पे बरंडा वगैरह बना के पूरा फुटपाथ को दखल कर लिया जाता है, उसके खिलाफ इस समय चेतावनी देते हुए ये दृश्य देखें। लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई चलता हुआ हम लोग ये सीधा दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं जयगांव मिरर्स पे। आप ये दृश्य देखें इस क्षेत्र में भी, यहाँ पे भी जयगांव के तमाम क्षेत्रों में इसी तरह से अवैध कब्जा अतिक्रमण देखा जाता है, और जब तक प्रशासन के तरफ से कड़ी चेतावनी नहीं मिलते तब तक लोग जो है इसी तरह से बर्ताव करते रहते हैं। ये क्षेत्र हम लोग इस समय डाणा गांव इस समय टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक इस समय मौजूद है, कुछ ही दूरी पे यहाँ पे बस स्टैंड मौजूद है, वहां पे हम लोग इस समय मौजूद है। आप ये दृश्य देखें, हम लोग और भी दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखाना चाहेंगे। तमाम पहले यहाँ पे काफी कम जगह देखने को मिलता था, आज इस जगह में काफी परिवर्तन इस समय देखा जा रहा है। यहाँ पे भी वार्निंग दिया जा रहा है, आप ये दृश्य देखें, यहाँ पे भी वार्निंग दिया जा रहा है, लगातार चेतावनी दिया जा रहा है। ये आप दृश्य देखें, फुटपाथ के ऊपर यहाँ पे छज्जा आगे निकाल के बरंडा बनाया गया है, इसी तरह से अवैध कब्जा करते हुए लोग जो है जयगांव को यहाँ पे
समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। आप ये दृश्य देखें और इस क्षेत्र में आप सभी के समक्ष हम लोग ये दृश्य दिखाते हुए अभी जयगांव थाना की पूरी टीम यहाँ पे देखी जा रही है और फिलहाल इस समय छोटा सा विराम लेंगे, फिर जुड़ेंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।